लेबनन में पेजर अटैक के बाद हिजबुल्ला बदला लेगा, इसकी आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी, मगर बेहद विध्वंसक अंदाज में हिजबुल्ला इसराइल पर पलटवार करेगा इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। बीती रात हिजबुल्ला ने महज 4 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। उत्तरी इसराइल के हिजाफा शहर में मौजूद एयरबेस को तहस नहस कर दिया गया। गौर करने वाली बात है कि इसराइल में विनाश की भयावह आंधी लाने के लिए हिजब ने ऑपरेशन फादी के एक्टिव कर दिया। इसराइल पर हमले के लिए हिजबुल्ला के लड़कों ने फादी 1 और फादी 2 रॉकेट का इस्तेमाल किया। 220 mm के कैनन के दागे जाने वाले फादी 1 रॉकेट की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है। वहीं 302 mm के कैनन से दागे जाने वाले फादी 2 रॉकेट की रेंज करीब 105 किलोमीटर तक है। इसराइल को दहलाने के लिए हिजबुल्ला ने न सिर्फ फादी 1 और फादी 2 रॉकेट बल्कि इसके साथ साथ कत्यूशा और बुरकान रॉकेट का भी इस्तेमाल किया। बता दें कि इसराइल के उत्तरी इसराइल में पूरी रात सायरन बजता रहा। दरअसल हिजबुल्ला के नॉनस्टॉप हमले के चलते बीती रात पूरे उत्तरी इसराइल पर एयर अलर्ट सायरन बजता रहा। हमले इतने ज़बरदस्त थे कि इजरायली वायुसेना को फौरन अलर्ट पर आना पड़ा और हिजबुल्ला के रॉकेट जलजले में अगर किसी शहर को नुकसान पहुंचा तो वो उत्तरी इसराइल को पोर्ट सिटी हाइफा थी, वहाँ मौजूद सबसे बड़े एयर बेस पर भी सबसे बड़ा हमला हुआ। भारी बमबारी हुई और इस बारूदी कोहराम के लिए हिजब ने खास ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। भले ही 8 महीनों में इसराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि किस तरह से इसराइल इसका पलटवार करता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।